दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक मल्टीमीटर जिसमें बैटरी को आप कैसे सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। इसका बैटरी कैसे चेंज कर सकते हैं, बस वीडियो पर बने रहे, आप जल्द ही जल्द सीख सकते हैं। बस इसमें नया लाए हैं, इस कारण से भी पैकिंग है, सब कुछ किया हुआ है। तो वापस निकालते हैं और इसमें बैटरी और केबल सब कुछ एक साथ करके देख सकते हैं। दोस्तों बहुत साथियों का दोस्तों का कमेंट था कि मल्टीमीटर में कितने वोल्ट का बैटरी रहता है और कितने कैसे सेट करते हैं इसको, तो आज इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैटरी खोलने के लिए यहां से आप इस तरह से हटा सकते हैं, यहां से इसे इस तरह से बस इसको यहां से निकाल दीजिए और यहां से देख सकते हैं बस यह बैटरी का जैक मिल गया, बैटरी का जैक, अरे रहा बैटरी। देख सकते हैं एक के बाद एक पैकिंग है, बैटरी अच्छा है। ये आ गया बैटरी और इसमें सेट करते हैं। इसका जो सिरा है बड़ा वाला, छोटा वाला में बड़ा लगेगा, बड़ा वाला में छोटा, तो देख लीजिए इस तरह से लगा दीजिए। सेट हो गया, इसको सेट करते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल चालू हो गया। अब इसको वापस सेट कर देते हैं इस कवर वाले में, इसको इस तरह डाल दीजिए, इसको इस तरह से कर दीजिए, इसको इसमें बैठा दीजिए, देख सकते हैं सब। इसका केबल भी अच्छा है, कॉमन वायर को इसमें डाल दीजिए, ब्लैक एक रेड वाले को, वोल्ट और रेजिस्टेंस ये सब नापने के लिए हम लोग जाते हैं, यूज करते हैं इस वाले कॉलम में, तो ये हमको इसमें डाल लगा देना है। अब देख सकते हैं, पहले बंद कर देते हैं सबसे पहले इसको, और सबसे पहले कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। देखिए आवाज भी आ रहा है लीक की, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बता रहा, और हमको जांचना है डीसी या एसी जो भी इसमें, तो डीसी जांचना है तो इस साइड करेंगे, यहाँ पे डीसी वोल्टेज का दिया हुआ है सिंबल, और यहाँ पे एसी वोल्टेज का जो व्हाइट रंग का है 750 वोल्ट पर ला दिए हैं। अब यहाँ पे एसी लाइन आया हुआ है देख सकते हैं, और इसमें हम डालकर देखते हैं, देखिए 180 वोल्टेज आ रहा है, देख सकते हैं 180 वोल्टेज, ये बिल्कुल प्रॉपर तरह का काम करने लगा है। इसका बैटरी चेंज कर दिए हैं और इसका सेटअप बहुत अच्छा है और यूज करने में बिल्कुल भी आसानी होती है, तो हो सकता है तो आगे कभी खरीदे तो इसी प्रकार का मीटर खरीदे, बहुत अच्छा है।